हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 33 सोशल साइंस ज्योग्राफी में क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया, टॉपिक है फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे आज, और कहाँ पे कौन से जगह है, किस तरह से इंडिया डिवाइडेड है बाय हिमालयाज रिवर्स, मतलब कहने का ये मतलब है कि कौन सी रिवर कौन से साइड में है, कौन से हिल्स कहाँ है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वी स्टडीड अबाउट द हिमालयाज एंड नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स इन लास्ट वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में हमने हिमालयाज के बारे में, आपकी वर्कशीट में आया था ना, और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में आया था। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरिया में है, एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन दिस वर्कशीट। देखिए मैप आप अपना जरूर लगाइएगा इस वर्कशीट के साथ, और उसको फिल करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का देखिए ईस्ट पार्ट ये है, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये वेस्ट पार्ट है जहां पर इंडिया का डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान होता है। बहुत ही गर्म इलाका है, इट इज ड्राई हॉट सैंडी, मतलब रेत ही रेत है यहाँ पे लैंड में, और वेजिटेशन बहुत कम होती है यानी फसल बहुत कम उगती है क्योंकि पानी नहीं है और रेत वाली जमीन है। दो कारण हो गया ना, समझ में आया है क्यों लिटिल वेजिटेशन होती है। आप यहाँ की वेजिटेशन के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी आखिर वेजिटेशन यहाँ होती है, यानी कौन सी फसल होती है, आप ये भी बता सकते हैं, क्रॉप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेटू लाइज इन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन है यानी प्लेन का नॉर्थ एरिया, ये प्लेन एरिया है बच्चे। देखिए मैं इसको अब एक बार हटा देती हूँ, और ये हमारा प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया ये होता है जहाँ पे पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ है, पहाड़ से होने के बाद आपका ये प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया के क्या कह रहे हैं, साउथ में, साउथ इलाका कहाँ हो गया, ये हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लेट्यू हो जाए। प्लेट्यू क्या होती है, देखिए ये माउंटेन है और ये प्लेन है, और इसके बीच में यानी थोड़ी सी ऊंची जगह, यानी ना तो वो माउंटेन जैसी होती है ना ही प्लेन जैसे हम जहाँ रह रहे हैं लैंड जैसी। तो थोड़ा सा ऊपर का इलाका, मतलब जमीन से थोड़ा सा उछला ऊंचा इलाका, उसको प्लेट्यू कहते हैं। तो वो इस इलाके में आपको पाई जाएगी, यानी इस इलाके में आपको मिलेंगी। तो ट्रायंगुलर शेप होते हैं साउथ, क्या कह रहा है, इट लाइज टू साउथ ऑफ नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन के साउथ डायरेक्शन में है ये, और ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। दिस इज अ रीजन ऑफ न्यूमरस ऑफ हिल रेंज, यहाँ पर भी पहाड़ियां पाई जाएंगी आपको, आप यहाँ देख सकते हैं अगर हम इसे मिटाएं तो, और ग्राफ को आप बड़ा देखेंगे, आप पास में देखिएगा, तो यहाँ पर भी जैसे इस तरह के पहाड़ों की रेंज पाई जा सकती है, वैलीज घाटी पाई जा सकती है, जिसमें एक फेमस है अरावली हिल्स जो कि यहीं पाई जाती हैं, और वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या, देखिए ये घाट है, ये घाट है और ये घाट है, तो ये तो है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स यानी घाट का इलाका, ये जो समुद्र के पास है जो ये इलाका है ये वेस्टर्न घाट है, डब्ल्यू जी लिख दिया है। तो वेस्टर्न घाट जो है और साहिद्रीज जिसे बोलते हैं बॉर्डर ऑफ प्लेट्यू इन द वेस्ट, ये वेस्टर्न में होती है, और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट बाउंड्री में, यानी ईस्ट बाउंड्री में ईस्टर्न घाट है और वेस्ट बाउंड्री में वेस्टर्न घाट है। प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, यहाँ पर कोयला और आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है इन इलाकों में। ठीक है, इन इलाकों में, इन इलाकों में। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न जो घाट है उसके वेस्ट में, एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइज कोस्टल प्लेन, यानी क्या कह रहा है ये, ईस्ट के ईस्ट घाट के ईस्ट में और वेस्ट घाट के वेस्ट में कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं। कोस्टल मतलब तटीय इलाके, तटीय इलाके देखते ना, मतलब ये घाट हो गया तो घाट के इधर तो वही हो गया ना, अब ये तो पानी है, और ये कोस्ट जो किनारा है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं, यानी जहां से समुद्र का इलाका मिलता है, यानी समुद्र मिलता है जहां से, तो ये कोस्टल प्लेन कहलाता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो, तो जो ये वेस्ट के कोस्टल प्लेन है बहुत ही नैरो हैं, छोटे हैं, मतलब कि कम है वो कोस्टल एरिया,
जबकि ईस्ट का कोस्टल एरिया चौड़ा है। कोस्ट मतलब तट का किनारा, तट का किनारा यहाँ पे चौड़ा है, चौड़ाई ज्यादा है समझ लीजिए, और यहाँ पे कम है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट में पूर्व में बहने वाली नदियों की संख्या भी है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, ये रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आप महानदी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी ये लिखी हुई ना, तो ये जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बे ऑफ बंगाल, आप रिवर्स के नाम आप लोग जरूर भरिएगा नक्शे के अंदर। तो टू ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे अगर इंडिया में देखे तो, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, और एक अंडमान निकोबार है। तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड मिल गया, और आपको ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपका मेन बे ऑफ बंगाल का मेन जो इंडियन मेनलैंड है, या बोले इंडियन ओशियन में आपको नजर आएगा ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्कल मार दिया है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप लोग मैप के जरिए अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो सर आपको मैप वर्क में भी करा देंगे, अच्छे से कराते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं भी आपको करा दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। डैश आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, क्या करें, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी, ईस्ट में बहने वाली, अभी हमने पढ़ा है ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये ईस्ट में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। टू ग्रुप्स ऑफ, सेकंड पॉइंट है, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन, कहां पे है ये, अरेबियन सी में, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पर गिरते हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, समुद्र के बीच में छोटी छोटी जो जमीन होती है टापू टाइप की, इसको आइलैंड बोलते हैं। देर आर मेनी हिल रेंज एंड वैलीज इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो प्लेट्यू है वहां पे बहुत सारे हिल भी हैं और वैलीज घाटियां भी हैं। डैश प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री टू पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको ईस्ट की बाउंड्री कौन सा देता है, ईस्ट घाट, ईस्ट घाट ईस्ट की बाउंड्री देता है, वेस्ट घाट की वजह से वेस्ट में बाउंड्री लाइन होती है। तो आप ये बताइएगा कि जो महानदी रिवर है वो कहाँ गिरती है, अरेबियन सी या ऑप्शन टू है बे ऑफ बंगाल, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए अरेबियन सी, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं बच्चों।